जर्मन की दिग्गज कार निर्माता कंपनी वॉल्कस्वैगन के साल 2026 के बाद डीजल और पेट्रोल वाली कारें बननी बंद हो जाएंगी। वॉल्कस्वैगन अपनी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों का प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद करने जा रही है। दरअसल वॉल्कस्वैगन ने अब बताया है कि वो साल 2026 में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली आखिरी मॉडल लॉन्च करेंगी। इसके बाद कंपनी इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली कारों को ही लॉन्च करेगी। कंपनी ने अभी हाल ही में घोषणा की थी कि वे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 2023 तक 44 अरब यूरो का निवेश करेगी। इस दौरान कंपनी की तरफ से कहा गया था कि साल 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते को ध्यान में रखते हुए कंपनी जीरो उत्सर्जन वाली कारों की दिशा में काम कर रही है। कंपनी का इस दौरान कहना था कि वो धीरे धीरे अपनी पेट्रोल और डीजल इंजन वाली कारों को बंद कर देगी। वॉल्कस्वैगन इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए इंजीनियर्स की एक बड़ी टीम इस पर काम कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी का लक्ष्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को 6 से बढ़ाकर 50 तक किया जाए। टेक न्यूज रूम की रिपोर्ट।